मुरलिकांत पेटकर के बारे में जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है नहीं कोई इंसान की कहानी है लगता है कोई इंडियन सुपरमैन होगा पहली बार जब कबीर से, से कहानी सुनी थी तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि ये सच में हुआ है नींद आती भी थी तो भी मैं नहीं सो रहा होता था काम का ही कुछ सोच रहा हूँ अभी अच्छा यहाँ पे कल मेरा दिमाग कंटिन्यूसली चौबीस घंटा कम पड़ जाता है उतना चलता रहता था मेरे पुराने फ्रेंड्स जो ग्वालियर के थे मैं उनको बहुत मिस करता हूँ पहले तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होते थे तो जो होता था चाहे वो बड़ा नाम हो चाहे छोटा नाम हो चाहे जो बस फिल्म मिल जाए नमस्कार मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी नाइन और आज बात करेंगे बॉलीवुड के चैंपियन से हमारे साथ है कार्तिक आर्यन कार्तिक टीवी नाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच थैंक यू ओके नो मुरलीकांत पेटकर के बारे में जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है नहीं कोई इंसान की कहानी है लगता है कोई इंडियन सुपरमैन होगा वट इज योर फर्स्ट थॉट मेरा भी यही फर्स्ट थॉट था मुझे एक्चुअली मैंने पहली बार जब कबीर सा से कहानी सुनी थी तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि ये सच में हुआ है या ये आप आपने ऐसे ही मुझे बोला इसमें से कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो शायद नहीं हुए एंड इन फैक्ट जो उन्होंने स्टोरी पूरी सुनाई उसमें एक एक चीज़ फैक्ट फैक्चुअल है और सब कुछ मैं सुन के एकदम मेरे होश उड़ गए और मैं सोचता रह गया कि ऐसी कहानी आज तक हमारे सामने आई क्यों नहीं और ये ऐसी कहानी है जो आ, ए, हर फैमिली को पता होनी चाहिए हर बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए इन इनके बारे में और इनके अचीवमेंट्स के बारे में क्योंकि वो नॉट जस्ट इंडिया बट इंडिया का नाम बाहर इंटरनेशनल लेवल तक ऊंचा किया है और रोशन किया है तो आई फील की भी वो आज भी एक्टिव रहते हैं भले ही वोटिंग हो या फिर किसी uh, जो अपाइज लोग है उन्हें इंकरेज करना हो

तो तो इस चक्कर में बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं उनसे फिल्म से पहले ना मिलूँ तो फिल्म के दौरान लेकिन मैंने शूटिंग के दौरान मिला और स्विमिंग के टाइम उन्होंने मेरे को बोला कि तू बिल्कुल मेरी तरह स्विमिंग कर रहा है विच काइंड ऑफ लाइक मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन था उस दिन और मुझे ऐसा लगा कि डेढ़ दो साल की पूरी मेहनत वो रंग लाई जब उन्होंने ऐसा बोला मुझे और आ, और हाँ तो बहुत अच्छे कॉन्वर्जेशन थे उनके साथ लेकिन आई एंजॉय द स्विमिंग कॉन्वर्जेशन चंदू चैम्पियन की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट है साजिद वाला जैसा प्रोडक्शन हाउस है और कबीर खान जैसे डायरेक्टर। लाइक किसी भी एक्टर का सपना होता है लेकिन आम तौर पे जब आप फिल्म चुनते हैं तो क्या मायने रखता है प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर या स्क्रिप्ट देखिए सारी चीज़ें इनफैक्ट टोटैलिटी में वर्क कर जाती हैं आ, लेकिन मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो डिसीजन होता है वो स्क्रिप्ट के बेसिस पे होता है आ, वो मैं कभी भी इस चीज़ पे एटलीस्ट नाउ दैट आई हैव ऑप्शन इन लाइफ पहले तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होता था तो जो होता था चाहे वो बड़ा नाम हो चाहे छोटा नाम हो चाहे जो बस फिल्म मिल जाए तो वो वो होता था लेकिन अभी जब से ऑप्शन और फिल्मों की चॉइसज मेरे पास थोड़ी सी बड़ी हैं

मुझे ऐसा लगता है कि डूज डूज और डोंट्स किसी को हाँ करने से मेरा अगेन जैसा मैंने बोला कि स्क्रिप्ट अगर करेक्ट है तो दैट्स द डू और अगर नहीं है तो दैट्स द डोंट बट अगर उसके अलावा आई थिंक यू नीड सम काइंड ऑफ जो 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 आपके फिल्म मेकर भी हैं उनसे आपको बात करके समझ आ जाना चाहिए अब वो बड़े बड़ा नाम है पहले से या नए मैंने ज़्यादातर नए फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है अपने पूरे करियर में और और उनके साथ एक्चुअली सबसे ज़्यादा हिट्स दी है मैंने सो मुझे ऐसा लगता है कि वो जानना ज़रूरी होता है कि अच्छा इनका थाट प्रोसेस क्या है क्या ये आ, आ, ये चीज को ये समझ पा रहे हैं ढंग से या हम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है कि नहीं हो रहा है तो वो एक डोंट है मैच मैच हो रहा है तो वो डू है तो वो समझना डू है आ, तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं डूज एंड में इस फिल्म में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कमाल का हुआ है तो डाइट में कौन सी चीज का त्याग करना सबसे ज्यादा मुश्किल था स्वीट का आई थिंक आई अ स्वीट टूथ और वो मैं शुगर uh, वो ऐसा था कि खाने के बाद कुछ मीठा तो खाना चाहिए वाली चीज़ है उसके लिए तो जगह होती है तो वो सब जो चीज़ें होती है ना वो आदतें बचपन से वैसी आदत लगी हुई है तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया था एंड uh, वंस वो स्टार्ट हुआ देन बहुत ड्रास्टिक चेंज आना चालू हुआ उससे Recently, हमने अलाया से बात की थी आपकी hmm. like तो कार्तिक नहीं वो हमेशा है तो भी मैं नहीं सो रहा होता था काम का ही कुछ सोच रहा हूँ अभी अच्छा यहाँ पे कल फॉर एग्जाम्पल सिटी टूर हो गया तो वहाँ पे क्या करेंगे या फिर हम लोग कुछ सीन कर रहे तो वो सीन को ऐसे कर सकता हूँ मेरा दिमाग कंटिन्यूसली चौबीस घंटा कम पड़ जाता उतना चलता रहता था

ग्वालियर की ऐसी कौन सी बातें हैं आई थिंक uh, मेरे पुराने फ्रेंड्स जो ग्वालियर के थे मैं उनको बहुत मिस करता हूँ और uh, और क्योंकि वहाँ पे मैं पला बड़ा था तो वहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आप यूर यूज़ टू दोज एरियाज़ योर यूज़ टू मैं वहाँ का किला फोर्ट है वहाँ से पूरा शहर में दिखता है वो मैं मिस करता हूँ यहाँ पर एंड एंड या आई थिंक वो सब चीज़ें और शायद उस टाइम बहुत केयरफ्री था बहुत फ्री भी था लाइफ में वो सब मिस करता हूँ यहाँ पे आज भी अगर वहां पे जाते हो तो कौन सी एक चीज है जो हमेशा करते हैं आप मैं अपने मेरा मेरा अभी तो वहां पे जहाँ पे घर था मैं उस 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 जगह पे जरूर जाता हूँ वो कॉलोनी में और और एक वहां पे एक काफी एक, एक जगह है जहां पे मुझे आ, खाना पसंद है वो मतलब वहाँ के रसमलाई बहुत फेमस है तो मैं वहाँ पे और, और वहाँ पे एक लड्डू आता है स्पेशली बहादुरा के लड्डू बोलते हैं उनको तो वो बहुत फेमस है इनफैक्ट हम लोग ने जब मीडिया सब वहाँ पे गए थे तो सबको सबको और लड्डू दिए थे एकदम घी से भरे हुए शुगर से भरे हुए तो वो काफ़ी वहाँ पे फेमस है तो जब भी जाता हूँ हु� तो मैं वो खाता हूँ राइट यू नो आपकी फिल्म का जो है लोगों को बहुत इस बार मैंने मैंने खाया नहीं मैं खिलाया था ओ। <laughs> हमारे घर में वो खाए थे हाँ, जी, 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 जी।, हाँ, जी। <laughs> जैसे कि आपकी फिल्म का सबके बेसब्री से इंतजार करता है जो मोनोलॉग है जो आपका काफी मशहूर हुआ और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से पहले भी कुछ इंटरव्यू में आपको लाइक बारह सौ तीसवे टाइम भी आपने वो बोला होगा तो पहले जो एक्साइटमेंट थी आज भी वो एक्साइटमेंट रहती है आज भी एक्साइटमेंट हमेशा रहता है लेकिन कई बार क्या होता है आ, प्रमोशन या, या, कोई भी जगह हो कई बार कोई ऐसी जगह होती है जहां पे नहीं बोलना चाहिए और वहां पर भी बुलवाते हैं लोग तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट ठीक ही है वो चलता है राइट right. well, uh, जैसे कि uh, आपने कहा कि आपको किसके फिल्म कौन से एक्टर्स की फिल्म देखने की एक्साइटमेंट होती है या आप उनका इंतजार करते हैं ऐसे कोई पर्टिकुलर एक्टर हो अ uh, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन अगर नाम लेना होगा तो मैं अगेन uh, uh, शाहरुख सर सलमान सर yeah. इनकी फिल्में देखने का बहुत एक्साइटमेंट uh, रहता है लास्टली थ्री रीजंस टू वॉच चंदू चैंपियन आई आई गिव यू वन इन अ नटशेल आई आई थिंक यह कैसी फिल्म है जो हर किसी को बहुत इंस्पायर करने वाली है लेकिन इन अ वेरी एंटरटेनिंग manner और यह एक ऐसी सच्ची कहानी है जो uh, जो सबको पता होनी चाहिए तो प्लीज गो